जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर वन का पहले ये फोर पार्ट करेंगे। इस पार्ट में देखें, लिखा हुआ ब्रैकेट में 22 44, इसकी बेस क्या है 5, प्लस आगे ब्रैकेट में 44 43, इनकी बेस क्या है 5। इस पार्ट में दोनों नंबर ही बेस 5 में लिखे हुए हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो इनका आंसर जो आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। अब हम पहले इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो इन दोनों नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे वर्टिकली फॉर्म में, फर्स्ट नंबर ऊपर लिख देंगे और सेकंड नंबर नीचे। इन दोनों की बेस 5, बेस क्या है दोनों की 5, तो इन बेस भी लिखेंगे यहाँ। अब इनको प्लस करेंगे, इसमें पहले हम ये 4 में प्लस 3 करेंगे, 4 + 3 क्या आएगा 7, तो यहाँ हम इसके नीचे 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि बेस से छोटा नंबर हम लिख सकते हैं आंसर में, बेस इसकी 5 है। फिर हम इन दोनों के सम को यानी कि 4 + 3 7 को बेस पे डिवाइड पहले यहाँ करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे बेस पे रफ में, बेस क्या 5, तो 5 आंसर 5, तो माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये नीचे वाला रिमाइंडर क्या है 2, अब 2 हम नीचे लिखेंगे यहाँ इनके नीचे, 2 यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर वाला 1 यहाँ आगे कैरी चला जाएगा ऊपर, यहाँ 1। अब हम ये 1 4 में प्लस कर देंगे 5 आएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, तो 8 फिर यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से बड़ा है, तो फिर यहाँ 8 को डिवाइड कर देंगे बेस पे, बेस क्या है 5, तो 5 वन टाइम 5 होता है, तो माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इसका 3 क्या है रिमाइंडर, अब नीचे वाला रिमाइंडर हम इसके नीचे लिखेंगे 3 और ये ऊपर वाला 1 आगे ऊपर चला जाएगा कैरी यहाँ पर। अब ये 1:2 में प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 + 4 करेंगे तो 7, तो फिर 7 नहीं लिखेंगे, इस तरह से देखें 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका नीचे 2 आएगा रिमाइंडर, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे यहाँ पे और ये ऊपर वाला 1 फिर आगे कैरी इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये 1:2 में प्लस करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 में प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 7, फिर 7 नहीं लिखेंगे यहाँ, तो 7 को देखें डिवाइड करेंगे 5 से तो ये इसका रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर और ये ऊपर वाला 1 आगे फिर कैरी चला जाएगा, आगे नंबर नहीं है तो वो वैसे ही 1 यहाँ इसके साथ ही लिखेंगे। अब इस आंसर की हम बेस लिख देंगे, बेस क्या है 5, देखें इस आंसर में सारे 5 से छोटे नंबर हैं। अब हम इस ब्लैंक में ये वाला आंसर लिख देंगे 1 2 2 3 2, ये सारे डिजिट हम इस ब्लैंक में लिखेंगे 1 2 2 3 2 और इसकी बेस क्या है 5, देखें 5 पहले ही लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हम इसका ये 7 पार्ट करेंगे, 7 पार्ट में हम ये फर्स्ट नंबर से माइनस कर देंगे ये वाला सेकंड नंबर, तो देखें इन दोनों की बेस क्या है 5, दोनों की बेस सेम है तो इनको माइनस करेंगे तो फिर इनका आंसर भी हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। अब हम इनको माइनस करेंगे तो इन दोनों नंबर्स को इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट नंबर ऊपर आ जाएगा और सेकेंड नंबर इसके नीचे इस तरह से आएगा, दोनों की बेस क्या है 5, तो इनको अब माइनस करेंगे। अब इनको माइनस करेंगे तो 1 में से पहले ये 2 माइनस करेंगे, तो 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, ऊपर छोटा नंबर है ये, फिर हम साथ वाले से कैरी लेंगे यहाँ से, लेकिन ये भी 0 है, फिर साथ वाले से लेंगे ये भी 0 है, यहाँ से लेंगे तो ये भी 0 है, यहाँ से लेंगे ये भी 0 है, फिर यहाँ से लेके आएंगे कैरी तो इसको काटेंगे, यहाँ लिख देंगे 0, क्या रह जाएगा 0। अब यहाँ से 1 कैरी लिया तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, हम बेस लिखेंगे, बेस क्या है इसकी 5, तो 1 के बजाय हम बेस लिख देंगे 5 यहाँ पे। अब इस 5 से कैरी लेके जाएंगे 1 आगे, तो यहाँ काटेंगे यहाँ रह जाएगा बाकी 4, अब यहाँ 1 नहीं लिखेंगे वो बेस लिखेंगे हम 5, अब फिर इसको काट के 1 आगे लेके जाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 4, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये 5 को काटेंगे यहाँ रह जाएगा 4, तो यहाँ 1 आएगा तो वो 1 नहीं लिखेंगे, बेस लिखेंगे 5। अब ये फिर 5 से 1 आगे कैरी जाएगा तो यहाँ 4 रह जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 1 नहीं लिखते। अब ये 5 में 1 प्लस होगा तो ये 6 बन जाएगा, अब 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 - 2 क्या आएगा 4, तो इसके नीचे 4 आ जाएगा। अब ये 4 ऊपर रह गया, ऊपर 4 में से ये 2 माइनस होगा, 4 - 2 इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब यहाँ भी 4 रह गया था, 4 में से 3 माइनस करेंगे इसका आंसर क्या आएगा 1, अब यह 4 है, 4 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अब ये भी 4 है ऊपर, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी आंसर 1 आएगा। अब ये लास्ट में 0 रह गया, अब 0 नीचे नहीं लिखेंगे तो फिर इसका यही आंसर होगा 1 1 2 4, तो इसकी बेस लिख देंगे हम 5, बेस क्या है 5, अब देखें इसके अंदर सारे 5 से छोटे नंबर हैं। अब हम ये वाला आंसर 1 1 2 4 लिखेंगे इस ब्लैंक में, 1 1 और 2 4।